क्या खाने से मोटा हो जाएगा, इसके बारे में काफी लोग सवाल पूछते रहते हैं, उसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। लोगों का ये रहता है कि नहीं अपना छोटा है लिंग, उसको बड़ा करना है, कुछ गोली है क्या, कुछ इंजेक्शन है क्या, तो उसके बारे में मैं आज जानकारी देने के लिए यहाँ ये आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन उन्मुक्ति धन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत ही लोग पजेस्ड है साइज के बारे में, लंबाई के बारे में, और हर व्यक्ति चाहता है कि अपना मोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो आइए आपको मैं आज एक बहुत ही कारगर और आयुर्वेदिक घरेलू उपचार बता रहा हूँ कि जिससे मोटा हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है। जरूर कोशिश करके देखिएगा और इन्फॉर्म करो, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ूंगा। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो जमा करके रखो। पहले चीज़ें कौन सी हैं, एक तो है ग्रीन टी बैग, ग्रीन टी की बैग आती है वो, अदरक, धनिया के बीज, जीरा, पुदीना, नींबू और शहद, ये जमा करके रखो पास में। करना क्या है कि रात के समय एक कप पानी में एक चम्मच धनिया बीज डालना है रात को, और आधा चम्मच जीरा डालना है और भिगो के रखना है। फिर दूसरे दिन सुबह उठने के बाद वो अच्छा उबालना है, और उबालने के समय एक टुकड़ा अदरक का पीस के उसमें डालने का है। तो अच्छा पानी उबल गया बहुत, तो उसके बाद में वो गर्म पानी जो है उसको छानना है, कप में छान लो, और उसमें फिर एक ग्रीन टी की बैग उसमें डालना है और उसको हिलाने का है, अच्छा उसमें मिक्स होने देने का है। साथ साथ पुदीने के पत्ते क्रश करना है और क्रश करके उसमें डालना है, आधा नींबू उसमें निचोड़ना है, आधा नींबू और आधा चम्मच शहद डालने का है। इतना सब करने के बाद में ये जो है ये पानी पी लो, या आप सुबह पीते हैं और शाम को पीते हैं इस तरह का तैयार किया हुआ, और कम से कम 4 से 6 महीने ये पीते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा, ये जरूर करके देखना है। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, लाइफस्टाइल में आता है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना 40 मिनट की, 3 से 4 लीटर पानी पीना, जंक फूड को अवॉइड करना, बेकरी फूड्स, पिज्ज़ास, ये सब ये अवॉइड करना है, शराब बंद, तंबाकू बंद, स्ट्रेस फ्री लाइफ, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन, हिप्नोटिज्म, ये करना जरूरी है, संतुलित आहार, बैलेंस फूड, और कम, ऐसा बहुत ज़्यादा पेट भर के खा रहे दोनों समय और इंडाइजेशन होने तक खा रहे ऐसा नहीं करने का है, संतुलित आहार और 80% फुल, मतलब 100% नहीं खाने का है पूरा, 7 से 8 घंटा नींद, और आहार में फलों का सेवन, जितने ज़्यादा फल खा सकते हो वो फल, क्योंकि तो फल में बहुत विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, और वो खाते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। जिंक कंटेनिंग जो फ्रूट्स है, मेरा अलग वीडियो है, वो खाते तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में, शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में, और जिंक जो टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत फायदेमंद है, तो ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इरेक्शन में फायदा होगा, मतलब कठोरता आने में फायदा होगा, जल्दी जो निकल जाता है अर्ली डिस्चार्ज, शीघ्र पतन, उसमें फायदा होगा, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बढ़ेंगी, प्रतिकार शक्ति बढ़ेंगी, आपको बीमारियाँ कम लगेंगी, आप फिट रहेंगे और बहुत सालों तक सेक्स कर पाएंगे। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो जरूर तमाम लोगों को शेयर करो कि जो लोग बहुत ही पजेस्ड है लिंग के साइज, और वो कौन से लोग हैं, वो लोग हैं 30 से लेकर 60 तक के, तो उनको ये जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।